इस वक्त हम खड़े हैं प्रेस क्लब के बाहर, जहाँ पर SDRF के कैंडिडेट द्वारा प्रोटेस्ट किया जा रहा है। इनकी ये मांग है कि इनको जो है एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद जो है पोस्ट जो है उनको इंक्रीज की जाए। ओवर एज इनकी होती जा रही है, इनको कुछ भी तरह का मेंशन जो है पहले एग्जाम से पहले पोस्ट का नहीं किया गया था। फिजिकल के बाद जो है इन्हें हरासमेंट जो है वो की जा रही है। इस वक्त ये मतलब जुड़ चुके हैं, इन्हीं के मुंह से जाने की क्या इनकी समस्याएं हैं, आइए इनसे बात करते हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है श्री न्यूज़ में। तो जिस तरह से आप लोग इस वक्त प्रोटेस्ट कर रहे हैं SDRF जो आपके एग्ज़ाम्स जो हुए थे, तो क्या क्या आपके मुद्दे हैं, सबसे पहले हमें ये बताएं। सर, सबसे पहले मेरा नाम अल्ताफ हुसैन है, उसके बाद मैं आपके न्यूज़ चैनल का वेलकम करता हूं कि जिसके माध्यम से हमारी बात आगे तक पहुंचे और इस कड़ी बारिश में भी आप हमारे साथ खड़े हैं। उसके बाद मैं ये कहना चाहता हूं कि हम SDRF के एस्पिरेंट हैं। 2012 में हमने SDRF के फॉर्म लगाई थी और 2012 में फॉर्म लगाने के बाद इन लोगों ने 2018 में हमारा फिजिकल करवाया। 6 साल का गैप दिए इन्होंने। 6 साल का गैप देने के बाद जब हमारा फिजिकल करवाते हैं तो 355 वैकेंसीज दे रहे हैं, जबकि 2012 में इन्होंने फॉर्म हमारे फिलअप करवाए थे, कोई भी वैकेंसी इन्होंने शो नहीं की थी और 6 साल हमारा वेट करवाया इन्होंने। 6 साल वेट करने के बाद ये लोग हमारे साथ ना इंसाफी करें कि 355 ही पोस्टें दे रहे। अगर इनके पास 355 ही पोस्टें थी तो जब इन्होंने फॉर्म हमारे सबमिट किए थे तो उसी वक्त वैकेंसी शो करते। अगर ये लोग उस वक्त वैकेंसी शो करते तो हम लोग प्रोटेस्ट नहीं करते। दूसरी बात, जब 2014 में इन लोगों ने एक कानून बनाया था कि 2014 के बाद जो भी बेल्ट फोर्स में भर्ती होगी, जैसे पुलिस होगी, SDRF जो भी है, उसमें रिटर्न होगा, और ना इन्होंने रिटर्न किया, ना इन्होंने पोस्टें शो की। और अगर इन्होंने रिटर्न किया होता, उसमें चाहे गरीब का बच्चा हो चाहे अमीर का बच्चा हो, जो भी रिटर्न क्वालिफाई करेगा वही एडजस्ट होगा। ना इन्होंने रिटर्न किया, ना इन्होंने पोस्टें मेंशन की ना। और हमने गवर्नर साहब से इससे पहले भी, जब फिजिकल होने के बाद भी हमारे भाई साहब ने एक फैक्स किए थे, काफ़ी सारे लेटर लिखे थे कि या तो आप पोस्टें इंक्रीज करो, पोस्टें बढ़ाओ, या आप उसमें रिटर्न करो। ना इन्होंने रिटर्न किया, ना इन्होंने पोस्टें मेंशन की। 6 साल हमारे साथ धोखा किया और वो धोखा होम डिपार्टमेंट ने किया। जैसे कि आप कह रहे हैं 6 साल अप्रॉक्स हो चुके हैं, तो कुछ कैंडिडेट्स ऐसे भी होंगे जिनकी ओवरेज हो चुकी है, तो ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि कैंडिडेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करता है कि वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जो है जॉब के लिए, तो उसके साथ साथ जो है वक्त जैसे बढ़ता जा रहा है तो ओवर एज भी तो है काफ़ी हो जाएगी, उसके लिए क्या कहेंगे आप? सर, ये जो यूथ पीछे खड़ा सारा ओवर एज हो चुका है, 6 साल में सारा ओवर एज हो चुका है। जब फॉर्म लगे थे तब ये लड़के कुछ 24-25 साल के थे और 6 साल का गैप, जबकि बेल्ट फोर्स में जब कोई फॉर्म भरना उसके लिए एज होती है 18-28, ये लड़के 30-32-34 साल के हो चुके हैं। ये आगे किसी भी भर्ती के लिए कैपेबल नहीं है और हम गवर्नर साहब से काफ़ी गुहार लगा चुके हैं और अभी भी उनके आगे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, गवर्नर साहब हमारी बात पर ध्यान दीजिए, हमारा मसला सुनिए, हम कहना क्या चाहते हैं। लेकिन गवर्नर साहब हमारी एक भी बात पर कोई रिस्पांस नहीं दे रहे। तकरीबन 6 साल आप कह रहे हैं हो चुके हैं, क्या इससे पहले आपने किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन से बात नहीं की इस बारे में कि हमारा मसला क्यों नहीं हल किया जा रहा है? सर, 1 साल से हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं और 1 साल से माननीय गवर्नर साहब से फैक्स कर रहे हैं। मैं गवर्नर साहब से कहना चाहता हूँ, आप अपने ऑफिस में देखिए, राजेश कुमार ठाकुर के नाम के कम से कम 50-60 फैक्स किए हैं, लेकिन उन्होंने एक भी फैक्स पर रिस्पांस नहीं दिया है। मैं गवर्नर साहब से कहना चाहता हूँ, गवर्नर साहब कश्मीर से आकर लड़के जम्मू में आपके साथ मिलते हैं, उनके लिए आपके पास टाइम है क्या? इस जम्मू के यूथ के साथ मिलने के लिए आपके पास 5 मिनट का टाइम भी नहीं है? हम उनसे सिर्फ 5 मिनट का टाइम मांगते, हमसे बात करो, हम कहना क्या चाहते हैं, लेकिन वो हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। अगर ये हमारी बात नहीं सुनेंगे तो किसके पास हम अपनी बात रखेंगे? बार बार हम गवर्नर साहब से अपील करते हैं और आखिरी बार गवर्नर साहब को मैसेज देना चाहते हैं, सर अगर आपके पास पोस्टें नहीं थी तो आपने SDRF SPO के फॉर्म क्यों लगाए थे? अगर आपके पास पोस्टें थी, ये जो पीछे यूथ खड़ा है इसके अलावा भी हमारे भाई कश्मीर डिवीज़न से भी है, जम्मू डिवीज़न से भी है, उनके पास पोस्टें थी तो पहले हमारे साथ इंसाफ करना था, जो यूथ आज ओवरेज हो चुका है, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने SDRF SPO के फॉर्म लगाए। 6 साल में जो यूथ ओवरेज हो चुका है उसका जिम्मेदार होम डिपार्टमेंट है। जो इन्होंने पोस्टें दी है 355, ये तो सिर्फ 2012 की है और 2012 से लेकर 18 के बीच जो भी पोस्टें हैं उनको जल्दी से जल्दी इंक्रीज किया जाए, ताकि ये जो यूथ आज रोड पर भटक रहा है इसको एडजस्ट किया जाए, इसके साथ इंसाफ किया जाए। और बार बार हम ये उनसे अपील करते हैं। अब हमने जो हमारे एडवाइजर साहब KPJ कुमार थे उसके पास भी हम गए, उसके पास भी काफ़ी सारे फैक्स किए, लेकिन उन्होंने भी हमारी कोई बात नहीं सुनी। अब आखिरी बार जो हमारे नए यहाँ DGP अब फारूक खान साहब आए, नए एडवाइजर हैं होम डिपार्टमेंट के, वो जम्मू के शेर हैं, वो इस डिपार्टमेंट में रह चुके हैं। अब मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ, सर आप हमारी मसले पे ध्यान दीजिए, ज़रा हमारी फाइल को दोबारा खोलिए, उसको देखिए कि जम्मू के यूथ के साथ ना इंसाफी हो रही है, सरासर गलत हो रहा है, ना इंसाफी हो रही है। और मैं अब गवर्नर साहब से बार बार ये कहना चाहता हूँ, सर जल्दी
जल्दी से जल्दी हमारे मसले पे ध्यान दीजिए, वरना अगर ये यूथ कहीं गलत रास्ते पे चल पड़ा तो उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ होम डिपार्टमेंट होगा, होम डिपार्टमेंट। तो आपने देखा यहाँ पर मुद्दा है कि इनके जो एग्जाम जो है इनने आज से 6 साल पहले दी थी, लेकिन अब तक इनकी जो SDRF की पोस्ट है उनके लिए इनको जो है कोई फैसला नहीं हुआ। इनका ये अपील है कि आखिरकार क्यों युवा को सड़कों पे उतरना पड़ रहा है, धूप बारिश में प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है अपने हक पाने के लिए, क्यों आखिरकार पहले जो है ऐसी चीजों का मेंशन नहीं किया गया था। और इस वक्त आप देख सकते हैं कड़ी बारिश में भी ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इनकी ये मांगे हैं गवर्नर सत्यपाल मलिक से कि इनको के साथ जस्टिस किया जाए, आखिरकार क्यों इनको सड़कों पे आकर अपनी मांगों के लिए प्रदर्शन करना पड़ रहा है। तो इस वक्त आप देख सकते हैं SDRF के डिपार्टमेंट के जितने भी यहाँ पर युवा है कैंडिडेट्स है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं अपने हक के लिए। तो इनकी ये मांग है गवर्नर से, एडवाइजर टू गवर्नर से भी उन्होंने मांग की, जो कि फारूक खान जो अभी नया आया है, कि जल्द से जल्द जो है इनका फैसला किया जाए। तो बाकी खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। कैमरा पर्सन राहुल के साथ मैं कंट्रोल 3 न्यूज से।